शनिवार को पालक मंत्री नितिन राउत कामठी रोड से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगाकर अस्पताल में टीकाकरण मुहिम का शुभारंभ करने के लिए 12:30 बजे जाने वाले थे, लेकिन वे वहां निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते अस्पताल में घंटों से लाइन में खड़े लोगों को भी टीका नहीं लगाया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना था कि मंत्री महोदय अब तक आए नहीं है, उन्हें टीका लगने के बाद ही आपको टीका लगेगा, जिससे वहां मौजूद लोगों को टीका लगाए बिना ही वहां से जाना पड़ा। बता कि लाइन में एक 80 वर्षीय वृद्धा का भी समावेश था जो टीकाकरण के लिए आई थी। इन चीजों से सवाल खड़ा होता है कि क्या नागरिकों से ज्यादा किसी भी मंत्री का टीका लगाना जरूरी है। बहरहाल पत्रकारों द्वारा जैसे ही सवाल उठाया गया, वैसे ही अस्पताल प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने तत्काल लाइन में खड़े लोगों को टीकाकरण के लिए भेजा। 12:30 जवळपास आम्ही आलो इथे, तर सांगण्यात आलं की मंत्री साहेबांकडनं उद्घाटन होणार व्हायचे आहे, तुम्ही रजिस्ट्रेशन करून घ्या। ते रजिस्ट्रेशनला आम्ही आधार कार्ड दिला आणि त्यांनी तो ठेवून घेतला आणि त्यांना त्रास आहे बसून जाऊ जास्त वेळपर्यंत, म्हणून आता त्यांना घेऊन जाऊन आलो परत। हॉस्पिटलची माहिती थांबा, अर्धा तास थोड्या वेळात येतील म्हणून आले। त्यांना त्रास आहे, 10 वर्षापूर्वी त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आला होता, ब्रेन अटॅक, त्याच्यातून त्या बचावल्या। या म्हणाले 3-4 वाजेपर्यंत। माझे नाव पुरुषोत्तम लांजेवार,